बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। राहुल गांधी के मुद्दे पर जयराम की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस वक्त अहम जानकारी आपको बता दें, कानूनी तौर पर रद्द हुई संसद की सदस्यता, तो राहुल को लेकर सदन स्थगित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं राहुल गांधी के मुद्दे पर जयराम की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल को लेकर सदन स्थगित करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है पूर्व मंत्री ने। वहीं जनप्रतिनिधियों का नारेबाजी करना भी अशोभनीय, जनता को ठेस पहुंचाना बनी राहुल गांधी की आदत। वहीं कानूनी तौर पर रद्द हुई है संसद की सदस्यता, तो राहुल गांधी के मुद्दे पर जयराम की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता को ठेस पहुंचाना अब राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। वहीं उनकी सदस्यता कानूनी तौर पर रद्द की गई है। तो बताना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल की ओर से शुक्रवार को सदन को स्थगित करना काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि न्यायालय के निर्णय के आधार पर हुई है। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में यह भी कहा कि उनके ऊपर सूरत कोर्ट में मानहानि का मामला चल रहा था, जिसके आधार पर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और इसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख है कि किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराए जाने और 2 साल या इससे ज्यादा समय के लिए सजा सुनाए जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कोर्ट के आदेशों के बाद संविधान की पालना करने के अनुरूप उनकी सदस्यता रद्द की गई है। और जयराम ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर जिस तरह से विधानसभा में जो भी हुआ वो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री संवैधानिक पदों पर रहकर विधानसभा का बहिष्कार करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए बाहर गए। इस तरह की अपेक्षा संवैधानिक पदों पर बैठे प्रतिनिधियों से नहीं की जा सकती। और आगे उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत राहुल गांधी मामले पर चर्चा की मांग की थी। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा जी। तो करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। करण जी, जिस तरह से राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्तारूढ़ की ओर से सदन स्थगित कर दिया गया, किस तरह से देख रही है भाजपा इसे? देखिए, राहुल गांधी जी का तो मुद्दा है जी, और जिन प्रकार से उनकी जो सदस्यता को रद्द किया गया जी, वो साफ देखने का मुद्दा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 102 के अंतर्गत उनका रद्द किया गया जी, और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में सेक्शन 84 अंतर्गत साफ लिखा है कि जिस प्रकार से अगर कोई भी नेता, चाहे वो सांसद का हो चाहे विधानसभा का हो, अगर उसके ऊपर 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो उसको संसद या विधानसभा से रद्द करने का प्रेरोगेटिव जो है जी, वो सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट को है, और उसी पे एक्शन हुआ है जी, और ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो एक्ट नहीं है जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का एक्ट है जिसके ऊपर हुआ है। और कल जब हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने जी सदन के अंदर जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए बोला कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर लगाया जाए, उसके ऊपर डिस्कशन मांगी जाए, तो वहां से जो है वो अध्यक्ष विधानसभा से उठती है और 10 मिनट के लिए स्थगित कर देती है सदन को जी। और उसके उपरांत जो है जितने भी नेता है, चाहे मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो बाहर जाके जो है वो केंद्र सरकार के हक में पक्ष में उनके विपरीत जो है वो नारे लगाते हैं और राहुल गांधी के बारे में जो है वो भाषण करते हैं। और उसके बाद ऐसी स्थगित जो जिस प्रकार से जो है वो विधानसभा को किया जा रहा है वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जो है वो पूरे सदन की जो गरिमा टूटती है, किस प्रकार से संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग है वो गांधी जी को बचाने के लिए जो है वो सदन को छोड़ के जो है बाहर नारेबाजी करना चाहते हैं। पर इतना इनको ध्यान में रखना चाहिए कि जब इनके नेताओं के ऊपर और भाजपा नेताओं को पहले भी इस एक्ट के अंतर्गत ये सदन से जो है वो निष्कासित कर दिया गया है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है उनको 1976 से निष्कासित किया गया, 1978 में इंदिरा गांधी जी को किया जी। और ऐसे कई उदाहरण है जो सामने निकल कर आए हैं। 11 लोगों को तो एक साथ निरस्त कर दिया गया था, उनकी मेंबरशिप 2011 में निरस्त की गई थी। इस प्रकार कई लोगों के ऊपर ऐसे एक्शन हुए हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। पर अब तो ये भी दिखने के लग गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी जो है वो सांसद के रूप में काम करें? जब इनके पवन खेड़ा नेता थे
और उनके ऊपर एलिगेशन प्रूव हुए थे, तो इन्होंने 15 मिनट के अंदर जाके जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे लिया और उसको चैलेंज किया। और आज जो है वो 48 घंटे हो गए हैं, कोर्ट का आदेश आ गया है सूरत के कोर्ट का, पर इन्होंने सूरत के कोर्ट से लेके हाई कोर्ट ऑफ गुजरात से लेके दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी तक खटखटाया नहीं है। क्या ये चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाए कि नहीं जाए? और इनकी आदत है ये इस प्रकार के विवादित बयानबाजी करते हैं। देखिए कितनी बार अभी 7 केसेस ऐसे राहुल गांधी जी के ऊपर चल रहे हैं जिनके ऊपर उनको मानहानि का दावा चल रहा है, और इसमें अनेकों केसेस है जिसके अंदर उन्होंने विवादित बयानबाजी करी। और इसमें जो दलित कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तेली समाज की बात कर रहे हैं, सरनेम की बात कर रहे हैं, अगर ये कोर्ट में 4 साल के अंतर्गत माफी मांग लेते तो ये तो मुद्दा इतना बड़ा बनता ही नहीं। बिल्कुल, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये इस मुद्दे को खुद ही बढ़ाना चाहती है? हमें तो ऐसा लगता है। और जिस प्रकार से जो है कांग्रेस को पूरा मुद्दा बनाना चाहती है, ये जनता को गुमराह कर रही है। ये आदेश जितने भी पास हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए अंतर्गत हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को इसको मानना चाहती है। बिल्कुल करण जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर माफी मांग लेते तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनता, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा को लगातार आड़े हाथों ले रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा है कि वो सावरकर नहीं है जो डर जाएं, मैं अडानी मुद्दे पर सवाल पूछता रहूंगा। बिल्कुल, देखिए हमने भी सुना कि जिस प्रकार से उन्होंने एक पत्रकार के ऊपर भी रिएक्शन पास किया कि आप बीजेपी ओरिएंटेड पत्रकार है, तो क्या वो पत्रकारों से भी जो है उनका भरोसा उठ गया है? धीरे धीरे उनका भोकलाट जो है वो साफ दिखाई दे रही है। देखिए मैं आपको स्पष्ट इसमें बताना चाहूंगा कि ऐसी स्टेटमेंट जो है ये पहले भी देते हैं। 20 सितंबर 2018 को चौकीदार चोर है बोला गया और उन्होंने जो है उसके बाद माफी मांगी, ये स्टेटमेंट राजस्थान में दी गई। सोनिया गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी उसमें जो है वो 2007 के आम चुनावों में मौत का सौदागर मोदी जी को बोल दिया गया। प्रियंका गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें 7 मई 2019 में अंबाला में कुमारी शैलजा की रैली चल रही थी और उसमें मोदी जी की तुलना दुर्योधन से कर दी। तो क्या इनका लगता नहीं कि ये इनकी जो है ये एक फितरत ही ऐसी है कि ये हमेशा इस प्रकार की बात बयानबाजी करते हैं? और इनको याद रखना चाहिए, देखिए ये रूल जो है राहुल जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में 5 साल के लिए जेल गए 2013 में, तो उसके बाद अध्यादेश लाने का प्रयास किया गया था और अध्यादेश को इन्होंने ही फाड़ा था कि ऐसा जो है ये अध्यादेश नहीं है, इनको नहीं ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था कि अध्यादेश है कि नहीं, इस अध्यादेश के बारे में इनको पता था कि ये अध्यादेश किस प्रकार का है। और ऐसे नहीं, अनेकों मुद्दे आपके सामने और एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने रखे है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि और की सदस्यता रद्द की गई है, और सदस्यता रद्द करने वाले मुद्दे को तो यही बढ़ावा दे रहे हैं। और इसमें तो ये भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर ये जेल नहीं जाते हैं या इनको सजा काटते हैं तो 6 साल के लिए जो है इसमें चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। कई नेताओं ने ऐसा भी किया है, चुनाव 6 साल बाद ही लड़ा गया है। मुझे लगता है कि इनको अपील करनी चाहिए और इस मुद्दे को शांत रखना चाहिए। करण जी कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, करण जी कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए, उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए उनकी सजा तय की जानी चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से व्यक्तिगत जो है कानून व्यक्तिगत रूप से नहीं चलता है, कानून इज फॉर एवरीवन। और जब कानून बात करता है तो कानून व्यक्ति का स्वरूप नहीं देखता है, वो तो सिर्फ एक एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को फॉलो करता है। तो कानून सबके लिए एक है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ये सबको जो है ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है करण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो करण जी ने भी तमाम बातों को हमारे साथ साझा किया है और जिस तरह से सदन को स्थगित किया गया था उसे पूर्व मुख्यमंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बताना चाहेंगे कि ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी पर सजा का ऐलान हुआ है उसके बाद वो भी काफी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं।